नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर आज फिर अपने द इंस्टीट्यूट और पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर आपके सामने आया हूं। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको यूपीटीटी सीटीईटी से संबंधित कई जानकारियां दी और उसका फायदा ये हुआ कि आज ढेर सारे स्टूडेंट ने अपनी सफलता यूपीटीटी में अर्जित की। मैं इलाहाबाद प्रयागराज में द इंस्टीट्यूट और पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनलों के सौजन्य से अपनी सेवाएं आप तक उपलब्ध करा रहा हूं। आज फिर मैं आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसकी प्रस्तावित जो डेट अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रखी है वो 6 जनवरी है, उसके विषय में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप अपनी सफलता को निश्चित करना चाहते हैं, अपने प्रक्रमों को ध्यान देना चाहते हैं और अपने सफलताओं को अर्जित करना चाहते हैं तो मैं जो चीजें आज आपको बताने जा रहा हूं उस पर गौर से सुनिएगा और निश्चित तौर से पिछले 6-7 सालों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस होने के कारण आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इन चीजों पर ध्यान दिया तो निश्चित तौर से 6 जनवरी के बाद आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से जब मिलेंगे तो आप यही कहेंगे आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हो गए और आज आप यूपी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, आप आज बेसिक के शिक्षक हैं। इसलिए आज मैं अपना ये यूपीटीईटी के पश्चात जो रिटेन एग्जाम होने जा रहा है 6 जनवरी को शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस के विषय में डिस्कस करता हूं। देखिए मित्रों, इस बार जो आपको मिलेगा 150 प्रश्न मिलेंगे आपको, 150 प्रश्न मिलेंगे आपको। 150 प्रश्नों के लिए जो निर्धारित समय तय किया है गवर्नमेंट ने वो 3 घंटे का तय किया है। इन 150 प्रश्नों में पिछली बार जो था 1 लाइनर क्वेश्चन, 1 वर्ड्स के आंसर वाले क्वेश्चन थे, उसको लेकर आपने देखा पिछली 68,500 की भर्ती में कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई जिसके कारण बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने यह भर्ती परीक्षा बहुविकल्पीय पद्धति पे कर दी है। बहुविकल्पीय पद्धति से प्रश्न तो आपको लगता होगा आसान होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के शब्दों की मीनिंग नहीं पता, अगर आपको चारों आंसर्स की मीनिंग नहीं पता तो आप सफलता कैसे अर्जित करेंगे। इसलिए मित्रों जरूरी है कि आप मेरे द्वारा बताए गए इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप निश्चित तौर से सफलता अर्जित कर लेंगे। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस यूपी गवर्नमेंट ने जारी किया है उसमें पिछली बार से इस बार थोड़े से चेंजिंग हुई है। मुख्य रूप से जो विषय वस्तुएं बदली हैं वो विज्ञान विषय में बदली है। विज्ञान विषय में 2-3 जो पिछले चैप्टर थे उनको हटाकर 2-3 नए चैप्टरों को जोड़ा गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलता हूं, सबसे पहले हिंदी विषय जो होता है आपका, हिंदी विषय आपके 20 अंकों का निर्धारित अंक है। हिंदी विषय में आप पिछली बार देखेंगे शिक्षण प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी में निभाई शिक्षण ने, शिक्षण के कारण हिंदी की थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और शिक्षण एक ऐसा विषय है जो हर विषयों में सम्मिलित हो जाता है। तो हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है आपका, हिंदी विषय का 20 अंकों का निर्धारण है। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत जो विषय है, पहले जब पिछली बार सिलेबस आया था तो पहले संस्कृत विषय नहीं सम्मिलित था, केवल और केवल अंग्रेजी था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत विषय को भी इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित कर लिया। तो संस्कृत का जो अंकों का निर्धारण होता है वो 10 होता है। उसके बाद आती है बात अंग्रेजी की, इंग्लिश की। इंग्लिश में भी आपके 10 अंकों का निर्धारण है। इस तरीके से जो सिलेबस में भाषा का पार्ट दिया हुआ है, भाषा के लिए 40 अंकों का निर्धारण किया गया है। 40 अंकों की इस प्रक्रिया के बाद दूसरा जो मुख्य विषय वस्तु इसमें है ये आपका विज्ञान है। विज्ञान विषय में फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपके बायोलॉजी, इन तीनों पेपरों को मिलाकर जो आपके नंबर होते हैं वो आपको 10 अंकों का प्रश्न पत्र इसमें मिलेगा। इसके बाद विज्ञान विषय के बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो 2 विषय। मित्रों, आप पिछले 68,000 भारतीय परीक्षा में जो कैंडिडेट सम्मिलित थे उनसे संपर्क करिएगा। यदि आपने उनसे संपर्क किया तो व्यक्तिगत रूप से आपको पता चलेगा कि क्या असफलताएं और सफलताओं का कारण था। ऐसे छात्र जिन्होंने पिछली भर्ती परीक्षा में थोड़ी थोड़ी गलतियां की, मैं आपको बता दूं पिछले कई वर्षों से मैं इलाहाबाद में कोचिंग पढ़ा रहा हूं और देख रहा हूं जो गलतियां पिछली बार बच्चों ने की वो गलतियां आप ना करें। इसलिए आप पिछली भर्ती परीक्षा का पेपर उठाइए, अगर आपके पास
पास पेपर नहीं है तो आप यहां आकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके पेपर ले सकते हैं, या पिछली भर्ती परीक्षा में सम्मिलित जो अभ्यर्थी थे जो सफल हुए उनसे भी मिलिए, जो असफल हुए उनसे भी मिलिए। आप अगर उनसे सफल और असफल अभ्यर्थियों से मिलते हैं तो सफलता का पैमाना तय करेंगे और असफलता के कारणों को खोजेंगे। इसमें विज्ञान के बाद अगला जो विषय आया गणित आया। गणित विषय में जो अंकों का निर्धारण है वो 20 अंक है। मित्रों पिछली बार जितनी छात्राएं ऐसे अभ्यर्थी जो छात्रा अभ्यर्थी थी असफल हुई उनकी असफलता का मुख्य कारण जो विषय वस्तु बना वो गणित बना, एक विषय गणित बना। रीजन आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, नॉर्मल कंडीशन में जो लड़कियां होती हैं लड़कियां मैथ लगभग लगभग 8th क्लास के बाद छोड़ चुकी होती हैं। हां जो कंपटीशन में लगातार लगी हुई हैं उनकी थोड़ी मोड़ी मैथ अच्छी होती है, लेकिन 20 अंकों का निर्धारण मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। इसलिए इन सभी विषयों के साथ साथ आपका एक महत्वपूर्ण विषय जो बन के आया वो गणित। यहां तक कि जो छात्र भी असफल हुए उनकी असफलता में भी ऐसे शिक्षक जिन्होंने गणित विषय को इतना कठिन बना दिया, इतना कठिन बना दिया कि वो विद्यार्थी सॉल्व ही नहीं कर पाए। हमारे यहां ऐसे शिक्षक हैं जो गणित विषय को बहुत ही आसानी से आप तक पहुंचाएंगे जिससे आपकी सफलता निर्धारित करने में किसी भी प्रकार की हिचक या बाधा नहीं होगी। गणित के बाद अगला जो पार्ट इसमें है आपका अगला पार्ट है पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण के साथ ही साथ एवं इसमें सामाजिक अध्ययन का पार्ट दिया हुआ है। पर्यावरण के साथ साथ जो सामाजिक अध्ययन का विषय आपको दिया हुआ है इस विषयों का जो अंक निर्धारित है 10 नंबर। मित्रों मैं आपको बता दूं जैसे आप आज सिविल की तैयारी करते हो सिविल देते हैं, सिविल में जीएस का पार्ट होता है। जीएस में क्या होता है लिखा दो शब्द रहता है जीएस जीके सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान, लेकिन जब उसको विस्तारित ज्ञान करने लेने जाइए तो वो विस्तारित ज्ञान इतना विस्तार हो जाता है कि वो पकड़ की सीमा से बाहर होने लगता है। इसलिए आप सब इस विषय पर बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ऐसे शिक्षकों से जो शिक्षक कई सालों से लगातार इस विषयों की धुरी बने हुए हैं अगर आपने उनसे संपर्क किया उनसे शिक्षा ग्रहण की तो निश्चित ये विषय आपको चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो चाहे राजनीति हो चाहे संविधान के कुछ हिस्से हो जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, तो इसलिए ये विषय भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगला अगली जो प्रक्रिया आती है मुख्य रूप से जो मेरे हिस्से में है जो मैं टीचिंग करता हूं वो आपको मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में सबसे पहला चैप्टर जो बाल मनोविज्ञान की प्रक्रिया के अलावा होता है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल जिसको हम टीचिंग स्किल्स कहते हैं। एक चीज और बता दूं मित्रों शिक्षण कौशल यहां शिक्षक भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय वस्तु है ही है। साथ ही में आप अगर केवीएस का एग्जाम देने जाए अगर एनवीएस का एग्जाम देने जाए दिल्ली का एग्जाम देने जाए या अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जाए तो आपके लिए शिक्षण कौशल की प्रक्रिया होती है। शिक्षण कौशल लगते बड़े आसान है लोगों को लगता है अरे इसमें रखा ही क्या है, लेकिन अभी अगर किसी भी बालक से किसी भी अभ्यर्थी से किसी भी शिक्षक से एक प्रश्न पूछ लिया जाए, आपने देखा होगा जो अभी 18 तारीख को 18 नवंबर को यूपीटीटी का एग्जाम हुआ, यूपीटीटी में सुबह के पेपर और शाम के पेपरों का अगर मॉड्यूल देखा जाए तो आपको पता चलेगा इस बार पहली बार यूपीटीटी में सिलेबस चेंज हुआ। उस सिलेबस में सबसे मुख्य विषय वस्तु जो सम्मिलित हुई वो शिक्षण कौशल, और मैंने अपने पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के वीडियो में बताया भी था कि इस बार हर विषय में चाहे वो हिंदी विषय हो चाहे वो संस्कृत विषय हो चाहे वो दूसरे विषय हो शिक्षण की प्रक्रिया के चाहे दो दो चार चार सम्मिलित होंगे वो अवश्य आएंगे। और आपने देखा मेरा अनुमान सही निकला, हर विषय में एक एक दो दो चार चार जितने भी क्वेश्चन थे वो शिक्षण कौशल की प्रक्रिया के थे। शिक्षण कौशलों के लिए जो यूपी गवर्नमेंट ने अंक निर्धारित किया है वो 10 अंक निर्धारित किए हैं। ये शिक्षण कौशल की प्रक्रिया होती है। शिक्षण कौशल की प्रक्रिया के बाद जो दूसरा पार्ट मैं आपको शिक्षित करता हूं मैं आपकी समस्या का जिसका समाधान करता हूं वो दूसरा पार्ट जो होता है आपका बाल मनोविज्ञान का होता है। बाल मनोविज्ञान जिसे आप साइकोलॉजी कहते हैं इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 10 अंक निर्धारित कर लिए हैं। और अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा पार्ट जैसे मेरा प्रॉपर सब्जेक्ट साइकोलॉजी है एजुकेशन है, सबसे बड़ा पार्ट अगर 10 नंबर का शिक्षण कौशल 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान, इसके बाद जो सबसे बड़ा पार्ट उभर के आया है पूरे शिक्षक भर्ती परीक्षा में वो सबसे बड़ा पार्ट जो है आपका सामान्य ज्ञान है।
सामान्य ज्ञान के साथ साथ जीएस और जीके आप जिसे कहते हैं, सामान्य ज्ञान के साथ साथ इसमें जो दिया हुआ है समसामयिक घटना। समसामयिक घटना का मतलब होता है जो करंट अफेयर्स है। मित्रों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने अपने आसपास देश दुनिया उत्तर प्रदेश में घटती हुई घटनाओं परिघटनाओं का पिछले एक साल का अन्वेषण नहीं किया, उसके एक एक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया, तो ये एक ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं आपको आपकी सफलता से वंचित कर सकता है। इसलिए इस विषय के लिए आप पिछले एक साल की पृष्ठभूमि में घटित हुई चाहे वो किसी भी क्षेत्र की घटना हो, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे वो खेलकूद की हो, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो समसामयिक हो। आजकल तो भारत में चुनावी मुद्दे राजनीतिक मुद्दे बहुत तेजी से गर्म है। उसके अलावा आर्थिक परिदृश्य आपने देखा होगा, नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल आपको बन सकते हैं। और अगर नंबर के दृष्टिकोण से आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो 150 अंकों का प्रश्न पत्र है उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो है ये आपका सबसे बड़ा पार्ट जो बन के आता है 30 अंकों का, करंट का जो पार्ट है वो 30 अंकों का बन के आता है। उसके बाद जो अगला इसमें आपका मिलता है वो आपका तार्किक ज्ञान मिलता है। तार्किक ज्ञान जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग के अंकों की दृष्टि से तो यह संख्या कम है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एक अंक भी आपको सफलता से वंचित करने के लिए पर्याप्त होता है। अगर आप एक अंक से भी चूक गए, बहुत से बच्चे हमारे यहां आए जिन्होंने 66 नंबर पाए, अगर उन बच्चों ने 67 पाए होते तो शायद आज वो नौकरी कर रहे होते, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक होते, लेकिन वो नौकरी से अगर चूके तो उसका उनकी समस्या कहीं ना कहीं एक अंक थे। चाहे वो एक अंक हिंदी विषय में रहे हो, चाहे वो एक अंक रीजनिंग विषय में रहे हो, चाहे वो एक अंक विज्ञान विषय में रहे हो, किसी भी विषय में रहे हो, वो एक अंक। तो तार्किक ज्ञान भी आपका महत्वपूर्ण भाग होता है जो आपको अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो इस पर भी आप कहीं ना कहीं असफल हो सकते हैं। इसलिए इस विषय पर भी आपको बराबर ध्यान देना है। अगला जो पार्ट आता है, अगला पार्ट आता है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी में अगर आप देखें तो सूचना तकनीकी में जो विद्यालय प्रबंधन होते हैं, विद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है, उस विद्यालय में आजकल आपने देखा होगा दुनिया तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती जा रही है, विज्ञान के चमत्कार दिन प्रतिदिन आपको आगे लिए जा रहे हैं। उसी विज्ञान के चमत्कार ने मुझे इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया, नहीं इतनी दूर बैठे हुए मैं आपको और आप मुझे कैसे जानते। उसी विज्ञान का प्रयोग जब हम शिक्षा की प्रक्रिया में विद्यालय के लिए कहते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं आजकल विद्यालय में फीस ऑनलाइन जमा हो जाती है, आप इलाहाबाद के किसी कॉलेज में जाइए वहां ऑनलाइन फीस सबमिट हो जाती है, वो शैक्षिक प्रक्रिया है। इसी तरीके से आजकल आपने देखा होगा स्मार्ट पैनल के बोर्ड आते हैं, स्मार्ट पैनल के क्लासेज आती हैं, स्मार्ट पैनल के प्रोजेक्टर आते हैं, एलईडी आती है, जिसके माध्यम से मैं अपनी बात आप तक बच्चों तक पहुंचाता हूं। मैं यहां पर आप तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उसका भी माध्यम तो तकनीकी है। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का जो पार्ट है वो अंकों के दृष्टि से तो कम है, 5 अंकों का है, लेकिन आपको मैंने यहां भी बताया अंकों पर अगर आपका ध्यान हटेगा तो आपके अंक कोई भी एक विषय आपको सफलता अर्जित करने से रोक सकता है, कोई भी एक विषय आपको सफल बना सकता है। और उसके बाद अंत में सबसे पहले अंत में जो विषय दिया हुआ है जीवन कौशल, जीवन कौशल के साथ साथ इसमें आपका दिया हुआ है प्रबंधन, प्रबंधन के साथ दिया हुआ है अभिवृत्ति, ये आपका पार्ट है। जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति की प्रक्रिया होती है, अंकों के दृष्टिकोण से ये 10 अंक है। तो इस जीवन कौशल में जैसे दिया हुआ है व्यावसायिक आचरण एवं नीतियां, प्रेरणा शिक्षक की भूमिका, एक शिक्षक किस किस भूमिका में होता है। सबसे पहले जब कभी भी कोई भी शिक्षक किसी भी कक्षा में जाता है तो सबसे पहले मुख्य रूप से शिक्षक की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि बच्चों से छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करें। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपने देखा होगा इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति सीधे आपसे प्रश्न पूछना नहीं शुरू करता, वो पहले आपसे आपका नाम पूछता है, पहले आपसे आपके विषय में जानकारी लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि आपकी पहचान उससे हो जाए और उसकी पहचान आपसे हो जाए। जब आपकी पहचान उससे हो जाती है और उसकी पहचान आपसे हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के सामने बिना हिचक अपने
सामने आपको प्रकट कर सकते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। अब देखिए, अब मैं रोहित सर पिछले कई सालों से इलाहाबाद में रहकर टेट सीटेट के साथ साथ जो पिछले साल शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई उसको भी पढ़ा रहा हूँ। पिछले साल जो यूपी टॉपर था वो भी हमारे यहाँ पढ़ा स्टूडेंट था, उसने भी इन्हीं चीज़ों से अपनी सफलता अर्जित की और आज वो नौकरी कर रहा। तो मित्रों, आज मेरा व्यक्तिगत रूप से आप सबसे ये कहना है कि सिलेबस की ये सारी बातें आपको मैंने बता दी, अब मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप जब भी मेरे विषय में आते हैं तो मेरे विषय में किस तरीके से आपकी समस्या समाधान होगा। देखिए मित्रों, मैं जो आपको देता हूं, मैं आपको शिक्षण कौशल विषय की शिक्षण देता हूं, बाल मनोविज्ञान विषय का शिक्षण करता हूं, सूचना तकनीकी का और जीवन कौशल से संबंधित विषयों का अध्ययन करता हूं। शिक्षण प्रक्रिया में अब इन विषयों से संबंधित मैं जो प्रश्न आपको बनाऊंगा, मैं जो आपको बताऊंगा, अपने इस पार्थ एजुकेशन और द इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनलों के संयोजन से बताऊंगा। इसलिए अगर ये आप अपनी सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया, इस सिलेबस से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।